अस्सलाम वालेकुम, शाजीबाजी मज़े में होंगे, पार्टी करें होंगे, जहाँ भी होंगे। आज की ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट फास्ट यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिकली फास्ट लाहौर। दोज़ ऑफ यू हू डोंट नो, मैं फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरे तीन साल कम्प्लीट हो चुके हैं। अभी कल मैंने आखिरी पेपर दिया थर्ड ईयर का। तो पिछले दिनों आई मेड अ व्लॉग विद माई फ्रेंड्स इन फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर। डेफिनेटली मैं इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल डे और वी गाइस वर हैविंग फन और इस तरह का सीन था। बड़े दिनों बाद मिले थे। तो उस वीडियो के नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे, जो कि उन बच्चों की तरफ से थे जो आना चाह रहे हैं फास्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना उन क्वेश्चंस को एक प्रॉपर वीडियो में मैं उनका जवाब दूँ। मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश भी, लेकिन आई थॉट कि उस तरह से उसका जवाब मैं नहीं दे पाया जो लाइक प्रॉपर उसका बनता है। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट फास्ट और those of you guys who are interested in fast university Lahore, तो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे उनका मैं जवाब दूंगा। और आई होप अगर आपको भी लाइक इसमें से कोई मसला है तो यू गेट योर आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि इज़ फास्ट यूनिवर्सिटी वर्थ इट और नॉट। तो इसका यार सिंपल सा जवाब है यार, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो वर्थ इट तब तक नहीं होता जब तक आप काम ना करें, ठीक है। अगर आपको काम आता है तो आप चाहे ऑनलाइन किसी डिग्री से कोर्स भी, कोई ऑनलाइन कोर्स भी कर लें, तो वहाँ से भी इफ़ यू गाइस लाइक गेट स्किल्स फ्रॉम देयर तो आप कामयाब हैं। तो इसका अंदाज़ा इसी से नहीं लगा सकता यूनिवर्सिटी वर्थ इट है या नहीं। और ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, यूनिवर्सिटी स्टाफ इज़ वेरी क्वालिफाइड और हर किस्म की फैसिलिटी है यहाँ पर, क्वालिफाइड टीचर्स, अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज़, मतलब पढ़ाई के लिहाज से सीन ऑन है। लेकिन अगर आपने पार्टी करनी है और अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी के चार साल आप चाहते हैं बहुत फ़न हो, कॉन्सर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, हर चीज़ हो, तो फिर फास्ट माइट नॉट बी द राइट प्लेस फॉर यू गाइस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है बहुत बहुत सुनने में आती है कि फास्ट में रगड़ा बहुत है। मैं भी जब फास्ट आ रहा था उससे पहले मुझे कुछ सीनियर्स से जब मैंने बात की और मतलब मुझे जितना जानने को मिला उसमें यही मिला कि यार फास्ट में तो रगड़ा बहुत है, आप आओ या आपकी चीखें निकल जाएंगी। खैर, मैं उस वक्त बड़ा ज़रा मोटिवेटेड से था कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, ये तो मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, रगड़ा सहेंगे तो काम तो आएगा ना एट द एंड ऑफ द डे। अब एट दिस पॉइंट 3 साल हो गए मैं ये कह रहा हूँ कि यार रगड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मतलब आप वाकई आपकी जो है ना सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। आप सुबह लाइक बीइंग अ सिविल इंजीनियर मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुबह आते हो यूनिवर्सिटी और शाम को जाते हो, तो आप लाइक आपका सुबह शुरू होगा और शाम तक यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आप घर जाकर असाइनमेंट्स कर रहे होगे। 2 मिनट्स होते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 1 मिनट होता है, फास्ट में 2 मिनट्स होते हैं, 3 क्विज़ेस, 3 असाइनमेंट्स, 2 मिनट्स और देन फाइनल्स। तो एक तो GPA लेना बहुत मुश्किल है, तो आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना कि यार फास्ट कि मतलब कि मैं मेरा GPA क्यों अच्छा नहीं है, ठीक है, ये बहुत एक आपके लिए टफ टास्क हो सकता है। क्योंकि GPA अब जब 3 असाइनमेंट्स, 3 क्विज़ेस, 2 मिनट्स और एक फ़ाइनल होता है ना, तो उसमें थोड़ा चीज़ें जो है ना उसमें आपको हर टेस्ट में, हर क्विज़ में, हर मिड में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपका GPA अच्छा बनेगा। अगर आप कहीं भी थोड़ा भी ढीले पड़ गए ना, कि यार आपने कहा चलो ये अभी तो सेमेस्टर का स्टार्ट है थोड़ा चिल करता हूँ एंड पे पढ़ लूँगा, तो आपका GPA अच्छा नहीं आएगा। और फास्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी डिग्री लेट हो जाए, दिस इज़ नॉट अ बिग इशू, ठीक है। आप एक्सपेक्ट मतलब 80% या 70% बच्चों की डिग्री लेट हो जाती है, स्पेसिफिकली इन CS। CS में बहुत बच्चे फेल होते हैं इनकी, मतलब दे मेक श्योर कि अगर आपने एक सब्जेक्ट क्लियर किया है तो आप उसमें बहुत अच्छी ग्रेड रखते हैं और बहुत अच्छा आप मतलब ऐसे ही किसी को आगे जाने देते हो। तो ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। बुरी इस चीज़ में कि आपके पैसे बहुत लगते हैं, एक एक कोर्स जो होता है वो 32-32 हज़ार, 40-40 हज़ार का कोर्स होता है। तो जब आप डेफिनेट उसको पैसे देंगे तो आपको दुखेगा, वो दोबारा से आपकी डिग्री भी लेट होगी, 4-5 साल तक जाती है डिग्री, 4 साल की डिग्री आप 5 साल में कर लेते हैं। और पॉजिटिव इस सेंस में कि जब मार्केट में जाते हैं तो आपको आपकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है वहाँ पर। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CS या सिविल इंजीनियरिंग कौन सी बेहतर है। तो यार ये चीज़ आपने कभी भी किसी को देखकर, किसी से पूछकर नहीं, फील्ड कभी भी किसी से पूछकर नहीं आपने रखनी, इवन आपके पेरेंट्स से भी नहीं पूछना कि पापा मैं कौन सी या मामा मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ या CS में जाऊँ या सॉफ्टवेयर में जाऊँ। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है करियर काउंसलिंग का, हमें पता ही नहीं होता हमने कहाँ जाना है, ठीक है। और दूसरा ये कि हम बस एक गधों वाली दौड़ में लगे हैं कि सब इंजीनियर बन गए तो हम भी इंजीनियर बन गए,
सब सी एस कर रहे हैं तो हम भी सी एस कर लेते हैं, फास्ट में हो गया तो सी एस कर लेंगे, नहीं ये नहीं करना। सबसे पहले आपने देखना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में शौक रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कंप्यूटर पे इतनी ग्रिप है, इतनी अच्छी कमांड है आपकी कि आप उसमें जो कर रहे हैं आप उसको मज़ा आ रहा है आपको, ठीक है, आपको समझ आ रही है HTTP वो जो C++ लैंग्वेजेस जावाज होती हैं सारी, अगर आपको समझ आ रही है तो तब आपने CS में आना है, वरना आप बहुत खज्जल होंगे। मैंने देखा है फास्ट में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साल पढ़ते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती क्या है। एक तो मैंने बताया रगड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं, तो जिस बच्चे का वैसे इंटरेस्ट नहीं होता ना, जो शौक से नहीं कर रहा चीज़, वो उसमें आगे नहीं बढ़ सकता, सिंपल सी बात है। क्योंकि उससे एक उसने आगे देखना है उसकी पहले साल में डिग्री लेट हो रही है, ठीक है, मतलब एक दो सब्जेक्ट फेल कर दिए तो वो डिग्री लेट होगी, तो वो आगे जब पाँच साल तक वो सोच रहा है कि चार साल और वो भी ऐसे गुजरेंगे, तो वो कहता है कि यार इसे अच्छा मैं किसी और यूनिवर्सिटी से कर लूँ, कुछ और कर लूँ। तो इसलिए फास्ट में आपने आने से पहले या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आपने पहले देखना कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप सिविल इंजीनियरिंग अगर ज्वाइन करें तो क्यों करें, आप अगर फास्ट में एज अ CS के लिए आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। तो ये सिर्फ इसका क्वेश्चन सिर्फ आप अपने आप को खुद दे सकते हैं कि यार मैंने कौन सी फील्ड में जाना है और उसकी वजह क्या है, क्यों जाना चाहता हूँ मैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग CS डॉक्टर या इन चीज़ों में जो आजकल चल रही है ना इनमें जाएं, देर आर बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिन पर हमें पता ही नहीं है, सोशल साइंसेज से रिलेटेड हैं। ये इस चीज़ का एहसास आपको तब होता है जब आप थर्ड ईयर में आ जाते हैं और आप समझते हैं कि यार हाँ दे आर मोर फील्ड्स, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास इस तरह की गाइडेंस नहीं है, हमें पता नहीं होता, हम बस एक वो इंजीनियर और डॉक्टर की रेस में लगे हैं, तो टाइम लगता है लेकिन आपको इस चीज़ की समझ आ जाती है, लेकिन इट्स टू लेट देन। फिर आप कहते हैं यार अब तीन साल लगाए हैं तो डिग्री कम्प्लीट कर ही लेते हैं। तो इसीलिए अभी अगर आप सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में 9th-10th में हैं तो अभी टाइम है आपके पास, यही टाइम है, और आप बैठ कर सोचें इस पर, प्रॉपर इस पर रिसर्च करें, और जो लोग कर रहे हैं ना फील्ड में उनसे जाकर पूछें कि यार अब मैं इस फील्ड में जाऊं या नहीं जाऊं, क्यों जाऊं, मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो उनसे पूछें, और फिर आपने अपने डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उसको सारा हर चीज़ को मैच करें, एक्सप्लोर करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, और देन एट द एंड आप फैसला करें, और जब फैसला कर लें तो फिर डेफिनेटली उसको उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें। अच्छा जी, दूसरा एक बड़ा ही मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कैंपस लाइफ एट फास्ट। फास्ट की कैंपस लाइफ जो है ना वो बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से बहुत डिफरेंट है। मुझे पिछले तीन साल से के मुताबिक शेयर कर रहा हूँ, हमारे जो भी हर तीन साल बाद एक डायरेक्टर चेंज होता है, और मतलब एक जो हमारी होती है ना हायर अथॉरिटीज़ जो कह लें वो चेंज होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस साल में आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे जो तीन साल गुजरे पिछले, उसमें जो भी डायरेक्टर थे उनका बहुत ही डिफरेंट एक व्यू था इन चीज़ों को देखकर, तो उन्होंने कॉन्सर्ट्स और इस तरह इवेंट्स और ये बहुत बहुत कम हुआ, मतलब ना होने के बराबर हुआ। वैसे ही 1-1.5 साल तो वैसे ही हमारा कोरोना में गुजर गया, और उससे पहले वाला जो था उसमें इवेंट्स वगैरह नहीं हुए, उसकी वजह अब उनको बेहतर पता है कि क्यों ऐसे है। लेकिन फास्ट की जो कैंपस लाइफ है, दिस इज़ नॉट लाइक किसी भी सूरत में आप इसको ये नहीं कह सकते कि यार बहुत फन वाली है। फास्ट की कैंपस लाइफ आप ये कह सकते हैं, आप एक तो पहली बात कैंपस बहुत छोटा है, ठीक है, उसमें कुछ आप इतना कुछ कर नहीं सकते। ग्राउंड्स वगैरह थी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कैफेज़ वगैरह हैं वो फिलहाल बंद हैं, तो कैंपस लाइफ फिलहाल सिर्फ ये है कि आप सुबह आए, आपने बैग रखा, पढ़ा और बैग उठाया और घर चले गए। अगर आपके दोस्त हैं तो आपने उनसे शुगर लगा लिया, फन कर लिया, पार्टी कर लिया, बस ये कैंपस लाइफ है। और हॉस्टल्स वगैरह फास्ट में नहीं है, फास्ट लाहौर के हॉस्टल्स, लाहौर की बात करें स्पेसिफिक, बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हॉस्टल नहीं है, यूनिवर्सिटी के बाहर डेफिनेटली बहुत से हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे मतलब रहने वगैरह का मसला नहीं होता, आप लोग पास ही हॉस्टल ले लें और वहाँ से रोज आ जा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। उसके अलावा ही यूनिवर्सिटी जो है वो 7 बजे सुबह खुलती है और 7 बजे ही बंद हो जाती है शाम को, तो 24 आवर्स वाला कोई सीन नहीं जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, लम्स और नेस्ट वगैरह में होता है, तो इस तरह में कोई सीन नहीं है। 7 बजे बंद हो जाएगी, अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो आपको लाइब्रेरी से उठ के जाना पड़ेगा, अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा, यानी ये नाइट स्टे वाला कोई सीन नहीं होता फास्ट में, क्योंकि डेफिनेटली कैंपस के अंदर हॉस्टल्स नहीं है, तो आप देर इज़ नो चांस कि आप कैंपस के अंदर रुक सकें। उसके बाद है जी मेरिट लिस्ट हर साल चेंज होती है, हर साल का डिफरेंट एक उनका वो होता है, प्रोसीजर होता है। हमारी बारी में आई गेस 40% फर्स्ट ईयर था और 50% टेस्ट था और 10% मैट्रिक था, लेकिन इस साल चूँकि सिर्फ था ही मैट्रिक और FSC वाले मार्क्स काउंट नहीं हुए, तो मैट्रिक के बेस पे उन्होंने किए हैं। उस पर मैं डेफिनेटली अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो नए बच्चे आएंगे उनसे उनके साथ इंटरव्यू टाइप करके कि वो किस तरह से आए हैं, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं अगले साल के उनको आसानी हो, उनको थोड़ी हेल्प वगैरह हो जाए। लेकिन मेरिट का ये कि हर साल चेंज होता है और हर चीज़ का चेंज होता है,
वो डिपेंड कर रहा है। CS में पहले बहुत कम बच्चे आते थे, 100 बच्चे आते थे, 150 आते थे, अब 600 बच्चे आते हैं, तो डेफिनेटली वो मेरिट की बेस पे ही आते हैं और मतलब उनकी सीट्स पर डिपेंड करता है। और बहुत सारी नई इस दफ़ा एक दो सालों से ना फास्ट ने ये नई फील्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें रोबोटिक्स वगैरह हैं, डेटा साइंस वगैरह हैं, तो इनके बारे में भी एक क्वेश्चन आया था कि कैसी है डेटा साइंस, कैसी है और रोबोटिक्स वगैरह कैसी हैं। तो इनके बारे में मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली फास्ट जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड से पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी कहलाई जाती है। तो एज इन द एंड डेटा साइंस और रोबोटिक्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो फील्ड्स हैं, इनमें भी अच्छा ही होगा। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डेफिनेटली कोई हमने इसकी अभी 4 साल बाद मार्केट में बंदे जाएंगे, वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, उसके मुताबिक फिर एक वो बनता है, एक व्यू बनता है कि यार किस तरह की फास्ट के बच्चे हैं, क्या मेरिट है, क्या स्कोप है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन था जी कि फास्ट बेहतर है, ITU बेहतर है या कॉम साइंस बेहतर है CS के लिए। तो यार इस पे मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो आप देखो कि आपको होता किस में, ठीक है, आप टेस्ट सबके दे दो और देखो किस किस में हो गया। अगर तो फास्ट में हो गया ना, और अगर आप ये समझते हो कि आप रगड़ा सहल हो गए, अगर आप ये समझते हो कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है मेंटल और फिजिकल कि आप 4 साल 5 साल प्रॉपर एक बड़ा ही एक ग्राइंडिंग प्रोसेस से गुजर सकते हो, तो फास्ट आ जाओ, ठीक है। और ITU से आई वुड से हमेशा ITU के ऊपर फास्ट को प्रेफर करना। कॉमसेट इज ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कैंपस लाइफ भी बेहतर है, लेकिन डेफिनेटली फास्ट ज़्यादा पॉपुलर है CS के मामले में। तो अगर आपका फास्ट में होता है और अगर आप इतनी कैपेसिटी रखते हैं मेंटल और फिजिकल, तो आप ज़रूर फास्ट आओ। अच्छा, और द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आंसर इज कि यार फास्ट में पढ़ के जॉब मिल जाएगी या नहीं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये हर स्टेज पे होता है, ये सिर्फ इस पे नहीं है कि आप सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, तो ये आप जब यूनिवर्सिटी में होगे आपके जेहन में तब भी चल रहा होगा, फाइनल ईयर में होगे तब भी आपके जेहन में क्वेश्चन चल रहा होगा। यार इसका एक सिंपल सा आंसर है जो कि शायद हम समझ ना नहीं चाहते, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन जॉब जो है ना वो आपको डिग्री की बेस पे नहीं मिलती, ना ही आपके GPA की बेस पे मिलती है, ना ही आपको इस बेस पे मिलती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ो। जॉब आपको इस बेस पे मिलती है कि आपको कितना काम आता है, ठीक है। ख़ुद सोचें कि यार आप ऐसा एम्प्लॉयर सोचें ना, आप ऐसा एम्प्लॉई सोच ही क्यों रहे हैं कि यार मैंने जॉब ही करनी है। आप ये सोचें कि अगर मैंने किसी बंदे को हायर करना है अपनी कंपनी के लिए, आपको अगर किसी बंदे को 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपये दे रहे हैं और वो आगे से उसको कोई काम ही नहीं आता, ठीक है, तो आप क्यों उसको जॉब देंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको हर वो काम आता हो जो उस फील्ड की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि यार इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कोडिंग वगैरह की ज़रूरत है, तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, तो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैं हार्वर्ड से पढ़ के आगे मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं CS किया है लेकिन मुझे जॉब मिले, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी जॉब की। पहली बात, आपको कोई जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको काम नहीं आता। मिल भी जाएगी तो 1-2-3 महीने बाद आपको निकाल देंगे। तो डेफिनेटली आपने अपने आप को काबिल बनाना, चाहे आप किसी ऑनलाइन YouTube से बैठकर भी कोई वीडियो देख लें और उससे कोई काम सीख लें, आपको काम आ गया तो आप काबिल हैं और आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक। तो लिहाजा स्कोप जो है वो किसी फील्ड का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी चीज़ का नहीं होता, वो स्कोप एक बंदे का होता है। अगर आपको काम आता है तो आपको भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जॉब के पीछे, लोग आपके पास आएंगे कि यार हमारा ये काम कर दो, लिटरली ऐसे ही। ओके यार, तो दैट वाज इट फ्रॉम आज की वीडियो की कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने समझा कि आंसर करना ज़रूरी है, एंड आई होप मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आंसर्स दिए हैं जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है फास्ट में। इसके अलावा भी अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है फास्ट से रिलेटेड, CS से रिलेटेड, या इवन जो सिविल इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड, या किसी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी, आई डेफिनेटली बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दीज क्वेश्चन फॉर यू गाइज। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।